वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. अगेन वी हैव असेंबल हियर टू कंडक्ट योर 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन. और आपका चैप्टर जो था, चैप्टर वन चल रहा था रिवीजन, जो रिवीजन मैं पहले करा चुका था आपका, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में क्या मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. अब इसमें इसके बाद आता है आपके दो टॉपिक आपके रह गए थे. तो पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और दूसरा टॉपिक है आपका ड्रॉ द फिक्चर्स ऑफ वेरियस टूर्नामेंट और नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट. तो सबसे पहले आपका आता है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ. टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट फोर टाइप्स होते हैं, चार तरीके के होते हैं. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. नंबर एक नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर टू लीग टूर्नामेंट, नंबर थ्री लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट एंड नंबर सॉरी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नंबर थ्री. और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बाद आता है आपका चैलेंजिंग टूर्नामेंट. तो आपको ये टूर्नामेंट आपको तैयार करने हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है. तो जो रिड्यूस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में का आपके जो है आपके नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा. तो फिलहाल आपको मैं सब चीजें दोबारा से तैयार कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग चलना है. तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में सबसे पहले आता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें जो टीम खेलती है, जो टीमें खेलती हैं आपस में, वो सिर्फ एक ही मैच खेलती हैं. जो टीम जीतती चली जाती है वो आगे बढ़ती चली जाती है, जो हारती रहती है वो बाहर हो जाती है. नॉकआउट में जैसे नाम से ही जाहिर है, नॉकआउट, आपने फाइट किया और आप जीत गए तो आप आगे जाएंगे, हार गए तो आप वापस बाहर, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. तो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसी के इसके एडवांटेजेस भी होते हैं. तो हम जो आपकी इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट कराते हैं वो सिर्फ आपका नॉकआउट बेस पर ही कराते हैं. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है मिनिमम टाइम. मिनिमम टाइम का मतलब इसमें आपका टाइम जो है बहुत बचता है, बहुत टाइम सेफ होता है आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और उसके बाद आता है मिनिमम टाइम, मिनिमम मैचेस. तो आपके आपके जो मैचेस जो होते हैं वो बहुत कम से कम होते हैं, कम से कम मैचेस होते हैं और आपका जो है टाइम भी बचता है. इससे आपका टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है, कम मैचेस होंगे तो टाइम भी आपका बचेगा. उसके बाद है मिनिमम एक्सपेंसेस. मिनिमम एक्सपेंसेस क्या है आपके, कि जब आपके जो है टूर्नामेंट से मैचेस कम होंगे तो रेफरीज का, ऑफिशियल्स का खर्चा भी आपका बहुत कम हो जाता है. तो इससे आपकी जो है टीम में टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है. इसके बाद आता है आपका क्विक रिजल्ट. इसमें आपके क्विक रिजल्ट मिलते हैं. तो क्विक रिजल्ट कैसे मिलते हैं, कि अब आपके जल्दी मैचेस कंप्लीट होते हैं और जल्दी आपके इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसका रिजल्ट भी जल्दी निकल आता है. तो मैंने चार पॉइंट्स बताए आपको इस एज के एडवांटेजेस: मिनिमम मैचेस, मिनिमम टाइम, मिनिमम जो है पहले आपका मिनिमम मैचेस, मिनिमम टाइम, मिनिमम एक्सपेंसेस एंड फोर्थ इज क्विक रिजल्ट. तो फिलहाल आप यही चार चीजें ध्यान में रखें, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. इसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेजेस. हर चीज का डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूं, चांस ऑफ एलिमिनेशंस आर मोर. तो यानी इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, कि आपके जो एलिमिनेशन के चांस होते हैं, अगर आप किसी टफ टीम से आपका मैच पहले पड़ जाता है तो आप एक बिल्कुल फाइट करके उससे हार जाते हैं, तो एलिमिनेट जल्दी हो जाते हैं और इसके चांसेस, एलिमिनेशन के चांसेस जो है वो आपके ज्यादा होते हैं. और एक टीम की परफॉर्मेंस एक मैच से ही डिसाइड हो जाती है. अगर वो खेलेगी अच्छा, नहीं खेल पाए अच्छा, कहीं से चूक हो जाती है तो वो टीम बाहर हो जाती है. उसके बाद आता है लूज ऑफ इंटरेस्ट. जब अच्छी टीम्स पहले ही फाइट करके बाहर हो जाती हैं इस टूर्नामेंट में, तो जो वो इंटरेस्ट होता है उसका टीम का और टूर्नामेंट का जो चार्म होता है वो बहुत कम हो जाता है. इसके बाद आता है तीसरा नो अदर अपॉर्चुनिटीज. इसमें जो है कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं मिलती, एक बार आप हार गए तो आप बाहर हो गए. तीन डिसएडवांटेज मैंने क्या बताए, सबसे चांस ऑफ एलिमिनेशन आर मोर, दूसरा है लूज ऑफ इंटरेस्ट, नंबर थ्री इज नो अदर अपॉर्चुनिटीज. तो ये आपके जो है अब दोबारा चांस इसमें नहीं मिल पाता. ये मैंने आपको बेनिफिट और इसके डिसएडवांटेजेस बताए. इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसको ध्यान में रखें. इसके बाद मैं आपको लीग टूर्नामेंट के बारे में बताने जा रहा हूं. तो लीग टूर्नामेंट कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके जो एडवांटेजेस हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं. यानी जो एडवांटेजेस नॉकआउट टूर्नामेंट के होते हैं,
वही उसका बेनिफिट होता है, वो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं लीग टूर्नामेंट के। और इसी तरीके से जो डिसएडवांटेजेस नॉकआउट टूर्नामेंट के होते हैं वही लीग टूर्नामेंट के एडवांटेजेस होते हैं। तो मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लीग टूर्नामेंट को। तो लीग टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या है? मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे डिसएडवांटेज में आपने पढ़ा नॉकआउट टूर्नामेंट में कि मिनिमम अपॉर्चुनिटीज होती है, तो इसमें आपको जो है मोर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैक्सिमम इंटरेस्ट, यानी एक टीम अगर इसमें इंटरेस्ट लूज ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट। लीग टूर्नामेंट में जब आप एक टीम से, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, एक टीम जो है एक टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं तो एक टीम को सभी टीमों से मैच खेलना पड़ते हैं, और उसको जो है जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं वो टीम आगे जाती है। यानी आपकी टीम अगर पहले हार जाती है तो इसका मतलब यानी कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के चांसेस मिलते हैं। तो इसी वजह से इसका जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का टूर्नामेंट का बना रहता है। इसके बाद आता है ओनली स्ट्रांग टीम कम्स अप, यानी जो डिसएडवांटेज था नॉकआउट टीम में कि जो अच्छी टीम्स आपस में फाइट करके बाहर हो जाती हैं, इसी तरीके से लीग टूर्नामेंट में इसका एडवांटेज होता है कि जो अच्छी टीम्स हैं वही जो अच्छी टीम्स होंगी वो भले ही एक मैच हार जाएं लेकिन नेक्स्ट मैच में जीत सकते हैं, इसके आगे के मैच में जीत सकते हैं, तो वो आगे ऊपर आने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा होते हैं और अच्छी टीम्स फाइनल में आती हैं। उसके बाद आता है मोर पॉपुलर, ज्यादा ज्यादा पॉपुलर होता है, ज्यादा ज्यादा ये टूर्नामेंट इंटरेस्ट डेवलप करता है। इसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेज। जो एडवांटेज जो है जो थे उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में, इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस लीग टूर्नामेंट के नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस में इंक्लूड होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका सबसे पहला एडवांटेज मोर एक्सपेंसेस, यानी टीम का जो है जब ज्यादा मैचेस होंगे तो उसमें खर्चे भी ज्यादा होंगे। मैक्सिमम टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम, ज्यादा ज्यादा टाइम लगता है इसमें। इसके बाद आता है आपका मोर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स भी आपको जब मैचेस ज्यादा होंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और इसमें ऑफिशियल्स की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके बाद आता है आपका लेट रिजल्ट, उसमें क्विक रिजल्ट आता था, इसमें लेट रिजल्ट आता है। तो ये टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज है। तो आपने पढ़ा आपने लीग टूर्नामेंट, दूसरा आपने लीग टूर्नामेंट के बेनिफिट एडवांटेज, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, आता है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में थर्ड पॉइंट आता है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट को जो मिला के जो टूर्नामेंट किए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। इसको आप एक बार फिर से देखेंगे कि नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी पहले जो ज्यादा टीम्स होती हैं उन सबके नॉकआउट मैच होते हैं, फिर उनके नॉकआउट मैच जो अच्छी टीम्स निकल कर आती हैं, जो फोर टीम्स निकल कर आती हैं सपोज दे एट टीम्स, तो उनके नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं। इसको कहा जाता है नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके बाद आता है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, पहले लीग मैचेस कराए जाते हैं ग्रुप में बांटकर, और उसमें जो टॉप टीम्स निकल कर आती हैं, चार टॉप टीम्स या आठ टॉप टीम्स, तो उनके जो है नॉकआउट मैचेस कराए जाते हैं। ये कहलाता है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। और उसके बाद आता है थर्ड प्लेस पे, तो ये जो होता है नॉकआउट कम लीग, तो पहले नॉकआउट मैचेस कराए जाते हैं, नॉकआउट मैचेस टीमों के करा दिए जाते हैं, और टीम जो है हमारे पास मुश्किल से आठ या चार टीमें बच जाती हैं, तो उनके हम लीग मैचेस कराते हैं, तो ये कहलाता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। उसके बाद लीग कम लीग टूर्नामेंट, ये फोर्थ पॉइंट आता है उसका लीग कम लीग टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का फोर्थ पार्ट आता है लीग कम लीग, पहले लीग मैचेस में अच्छी टीम्स जो है निकल आती हैं, फिर उनके जो चार टीम्स निकल कर आते हैं उनके फिर से लीग मैचेस कराए जाते हैं। सपोज दैट हमारे पास 16 टीम्स हैं, तो 16 टीम को चार चार ग्रुप में बांट दिया और चार चार ग्रुप के लीग मैचेस कराए गए, तो हर टॉप टीम हर ग्रुप से जो निकल कर आती है वो चार टीमें होती हैं, उन चार टीम्स के फिर लीग मैचेस कराए जाते हैं और उनका जो है टूर्नामेंट होता है। तो ये कहलाता है आपका लीग कम लीग टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट ज्यादातर इंडिविजुअल गेम्स में इंक्लूड होता है। तो इंडिविजुअल गेम्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, जूडो है, ये सारे चैलेंज टूर्नामेंट होते हैं जिसकी हर एक प्लेयर की रैंकिंग होती है। तो अगर कोई किसी प्लेयर की रैंकिंग थर्ड या फोर्थ है तो पहले फोर्थ वाला थर्ड को चैलेंज करेगा, फिर वो अगर उसको हरा देता है तो वो जो है ऊपर पहुंचकर चौथी स्टेज से थर्ड स्टेज पर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर वो सेकेंड स्टेज, जो थर्ड स्टेज पर है वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज के बंदे को चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है। तो ये चैलेंज टूर्नामेंट कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में चार चार नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में मैंने आपको
बताया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछिएगा मुझसे, मैं आपको जितनी बार आप मुझसे पूछेंगे उतनी बार मैं आपको वीडियो के थ्रू ही आपको बता सकता हूं। तो आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको समझना है उस चीज को और आपको खुद भी करके, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे उसमें कैसे बाई दी, नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाती है और कैसे बाई दी जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं फिक्चर डाल के दिखाऊंगा, तो इसी तरीके से आपको फिक्चर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मैथ्स की तरह है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपसे एग्जाम में फिक्चर आता है और आपने सही से डाल दिया। अगर आपका लीक का फिक्चर होता है, लीक फिक्चर आपको कैसे डालना है, कितनी बाय, वो लीक फिक्चर में कैसे कैसे मैचेस कराने, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और बार बार करके देखना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे, वरना आप में कंफ्यूजन बना रहेगा, मैथ्स की तरह होता है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लीक का नॉकआउट का मैं फिक्चर बताऊंगा। थैंक यू।